हे गाइस, हियर इज माय अनदर मेकअप वीडियो। पिछली मैंने आज ही टीवी पे लाइव की थी। ये मेरा बर्थ मार्क है, एज यू कैन सी। बाकी मेरा फेस बिल्कुल नॉर्मल है। ये टोनर, एक्चुअली टोनर बहुत ज़रूरी है आपके फेस पे। अगर आप टोनर नहीं लगाएंगे तो आपके फेस के पोर्स ओपन रहेंगे और फिर मेकअप अंदर चला जाएगा। तो टोनर हमारे पोर्स को क्लोज कर देता है, इसलिए टोनर बहुत ज़रूरी है। अच्छे से इसको स्प्रेड करिए, सुखाइए चेहरे पर। यह है वादी हर्बल्स का लिप मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र भी ज़रूरी है लिप पे, क्योंकि फिर आपके लिप जो हैं लिपस्टिक से ड्राई हो जाएंगे। अब हम यूज़ करेंगे पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र। आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। यह है मेबेलिन का प्राइमर। प्राइमर आपके फाउंडेशन और मेकअप के बीच में एक लेयर क्रिएट करता है, जो कि आपके फाउंडेशन को आपके चेहरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचाता है। तो इसलिए प्राइमर ज़रूरी है। अब जिस आपके पास जो हो आप वो ले सकते हैं। आप अपने प्राइमर को कभी भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड मत करिएगा, उसको डैब डैब करिएगा। मैं ले रही हूँ लॉरियल का मैटी फाउंडेशन। ये बहुत अच्छा है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है ये और काफ़ी देर तक टिकता है। थोड़ी सी क्वांटिटी बहुत हो जाती है। डॉट डॉट करके फेस पर अपने लगाइए। इसके बाद डैब ब्यूटी ब्लेंडर रखिए। ब्यूटी ब्लेंडर को अपना पानी में सोक करके उसको स्क्वीज़ कर लीजिए, जो टॉवल से उसको पोंछ लीजिए। आपका ब्यूटी ब्लेंडर तैयार है। अब मैं इसको ब्लेंड करूंगी अच्छे से पूरे फेस पे। आपका बेस जितना अच्छा ब्लेंड होगा ना, उतना ही अच्छा आपका मेकअप फ्लॉलेस हो जाएगा। आपका बेस अगर अच्छा नहीं है तो मेकअप अच्छा नहीं हो सकता, वो केकी हो जाएगा, पैची हो जाएगा। जितना टाइम आप ब्लेंडिंग में देंगे उतना ही अच्छा आपका मेकअप आएगा। मैं लगा रही हूँ फिट मी का कंसीलर हनी शेड 30। आप कोई सा भी कंसीलर ले सकते हैं। कंसीलर हमारे डार्क एरियाज़ को कवर करता है, जो आँखों के नीचे और माउथ के अराउंड हमारे डार्क एरिया होता है उसको कवर करता है। और ये कंसीलर बहुत अच्छा है, काफ़ी देर तक ये भी टिकता है। और मेरे को ये कंसीलर बहुत पसंद है पर्सनली। इसको भी अच्छे से ब्लेंड करिए अपने टिप एरिया से, जो आपके ब्यूटी ब्लेंडर में टिप एरिया है उससे करिए, क्योंकि कंसीलर आपके कॉर्नर्स में ज़्यादा हमें ब्लेंड करना होता है, आँखों के कॉर्नर में, माउथ के कॉर्नर में। तो जितना अच्छा ब्लेंड होगा बेस उतना ही अच्छा बनेगा, आप ये मान के चलिए। अब हम यूज़ कर रहे हैं अपने कंसीलर को पैक करने के लिए। कोई भी पाउडर ले सकते हैं, मैं लैक्मे का पाउडर ले रही हूँ। आप लूज़ पाउडर भी ले सकते हैं। एक ब्रश ले लीजिए। मैं यहाँ पे ब्रॉन्जन के ब्रश सेट आया था उसमें से एक ब्रश ले रही हूँ, पाउडर ब्रश, जिससे अपने कंसीलर को पैक करूँगी अच्छे से। कंसीलर पैक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर कंसीलर आपका क्रीज नहीं होगा और हार्श लाइन नहीं पड़ेगी फेस पर। तो कंसीलर पैक करना पाउडर से इसलिए ज़रूरी है। हम लिक्विड फॉर्म जो भी फेस पे इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उसके ऊपर एक पाउडर लेयर लगा देते हैं तो हमारा मेकअप पूरी तरीके से क्लॉक हो जाता है, वो हिल भी नहीं सकता फिर। और लास्ट में आपने सेटिंग स्प्रे लगा दिया, फिर तो वो काफ़ी घंटों के लिए आपके फेस पे आराम से टिका रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी है। अब हम आई मेकअप करेंगे। मैं हिलेरी हुडा के दो पैलेट हैं मेरे पास, वो दोनों में से एक ले रही हूँ। सबसे लाइट शेड सबसे ऊपर लगाएंगे क्रीज लाइन पे। ये पैक का ब्लेंडिंग ब्रश है, आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश।
कभी मैं ब्रशेस के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, अगर आप लोग कहेंगे तो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि ब्रश मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी मैं ले रही हूँ डार्क कलर, ये हल्का सा डार्क हमारी क्रीज लाइन के बीच में आएगा, मिडिल सेक्शन में। जितना अच्छे से आप अपने आई शेडो को ब्लेंड करेंगे, आंखों का मेकअप उतना ही सुंदर लगेगा। अब इससे हल्का सा डार्क लूंगी और ये मेरे इनर कॉर्नर में आएगा, सॉरी इनर कॉर्नर बोलिए, आउटर कॉर्नर में, आउटर पे आएगा ये। कोई भी डार्क कलर आप यूज़ करते हैं अपने आई मेकअप पे तो वो हमेशा आउटर वी पर ही आता है, और लाइट कलर हमेशा आपके इनर कॉर्नर में आते हैं। ये मैं लाइट शेड ले रही हूँ, इसे आप अपने इनर कॉर्नर में लगाएंगे। मैंने रेड साड़ी पहनी है इसलिए मैं आज हल्का सा रेडिश मेकअप कर रही हूँ आंखों का। आप जिस तरीके से आपने ड्रेस अप किया हो आप उस हिसाब से अपना ले सकते हैं, लेकिन बस ध्यान ये रखिएगा कि आपको अपना डार्क आई शेडो हमेशा आउटर कॉर्नर पे लगाना है और लाइट आई शेडो हमेशा इनर कॉर्नर पे लगाना है। ये मैं ले रही हूँ हाइलाइटिंग के लिए, तो हाइलाइटिंग के लिए सबसे लास्ट में इनर कॉर्नर पे हम हाइलाइटिंग करेंगे, जिससे हमारी आईज़ बड़ी लगती हैं। इसी से मैं अपने इनर कॉर्नर को थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी और उस पर ही थोड़ा सा स्प्रेड भी कर दूँगी। अब ये मैं लगाऊँगी नीचे लोअर लैश लाइन पे, ताकि हमारी नीचे की आंखें सूनी सूनी सी ना लगें देखने में, इसलिए इसे नीचे लोअर लैश लाइन पर लगाऊँगी मैं इसी कलर को, जो मैंने डार्क सबसे ज़्यादा डार्क कलर अपने आउटर वी पे लगाया था उसी को नीचे लगाऊँगी। सॉरी ये ग्रीन मैंने दिख रहा है ना, ग्रीन नहीं लिया है मैंने, हाइलाइटिंग वाला कलर लिया है। यस ये हाइलाइटिंग के लिए, यू कैन सी। रेवलॉन का काजल ले रही हूँ मैं, और काजल से ही मैं लाइनर भी लगाऊंगी। अभी आप देखेंगे कैसे, ये काजल बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी स्मज नहीं होता, और अगर स्मज होने की आपको फिक्र है तो मैं आपको अभी एक चीज़ और दिखाऊंगी, आप देखिए वीडियो में आगे। लाइनर की तरह मैंने इसको लगा लिया है अपनी आंखों के ऊपर। अब इसको मैं स्मजर ब्रश से स्मज कर दूंगी। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, मैंने मोबाइल जहां रखा है वहां मिरर नहीं है, तो मुझे साइड में होके मेकअप करना पड़ रहा है, तो मुझे फेस पे सही से दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको सही से कैमरे में नहीं दिख पा रही हूँ, पर मैं फिर भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको अपना पूरा फेस दिखाऊँ कैमरे पर। मैंने काजल लगा लिया है लाइनर की तरह, वही काजल मैं आंखों के अंदर हाफ हाफ लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी। मैं हाफ लाइन पे ही लगाना पसंद करती हूँ क्योंकि नेचुरल लगता है देखने में, या पूरा लगा लो तो वो बच्चों की तरह लगता है ना, इसलिए अब तो कोई नहीं लगाता। ये है स्मजर ब्रश कलर बार का। अब इससे मैंने जो लाइनर लगाया था काजल का, उसे मैं स्मज करूँगी ताकि वो फैले ना, और फिर उसके ऊपर मैं एक आपको छोटा सा हैक दिखाऊंगी क्या करेंगे, जिससे हमारा लाइनर बिल्कुल भी नहीं फैलेगा, चाहे आप कोई सा भी काजल लगा लो, कोई सा भी। आप इसको स्मज करके सबसे ज़्यादा डार्क वाला आई शेडो ये वाला इसको लेकर, और अपने उसी लाइनर पे जहाँ पे आपने लाइनर स्मज किया था ना, उसी लाइनर पे आप इसको स्प्रेड कर देंगे। तो जब भी हम किसी भी क्रीम प्रोडक्ट के ऊपर पाउडर प्रोडक्ट लगा देते हैं, मैंने बताया था आपको, तो वो क्लॉग हो जाता है। ये है स्विस ब्यूटी का पैलेट। अब हम अपने फेस को कॉन्टोर और ब्लश करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। मैं ले रही हूँ यहाँ पर ब्रॉन्जन का ब्रश कॉन्टोर वाला, इसी से मैं ब्लश करूँगी।
ब्लश हम हमेशा अपने एप्पल चिक्स पे करते हैं, और कॉन्टोर हम हमेशा अपने एप्पल चिक्स के नीचे की जो बोन होती हैं उन पे करते हैं। ये पैलेट सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा है और आपके बजट फ्रेंडली है, आप इसे बिल्कुल ले सकते हैं। इतना अच्छा है, मैं सब सच बता रही हूँ, जब से मैंने इसको लिया है मैंने वेट एंड वाइल्ड का यूज़ भी नहीं किया है, वो मेरा ऐसा ही रखा हुआ है। अच्छा वो भी है, पर उसमें आपको सिर्फ बनाना पाउडर और कॉन्टूर मिलता है, लेकिन इसमें आपको हाइलाइटर, कई सारे शेड के क्या बोलते हैं उसको, ब्लश, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, कई सारे शेड के आपको ब्लश मिलते हैं, हाइलाइटर मिलता है, दो कॉन्टूर मिलते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको एक ही उसमें मिल जाती हैं। और आई गेस 450 का था और वो मैंने 550 की केवल दो चीज़ें ली थी, आप सोच सकते हो कितना बजट फ्रेंडली है ये, बहुत अच्छा है। मैं तो आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि आप इसको लीजिए। अब मैंने हाइलाइटिंग भी कर ली है, कॉन्टूर भी कर लिया है, ब्लशिंग भी कर ली है, फेस मेकअप मेरा डन हो गया है। अब हम इसको परफेक्ट पूरी तरीके से क्लॉक करने के लिए स्प्रे लगाएंगे। सेटिंग स्प्रे इज़ मस्ट, अगर आपने सेटिंग स्प्रे नहीं लगाया अपने मेकअप के बाद तो आपने मेकअप से खिलवाड़ किया है, आप कभी भी बेइज्जत हो सकते हैं। बेइज्जत से मतलब ये है कि आप बाहर जाएंगे, आपको स्वेटिंग हो जाएगी और आपका मेकअप आराम से निकल जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको अपनी इज्जत बचानी है तो आपको मेकअप के बाद ज़रूर लगाना है स्प्रे। मैं यहाँ पर ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पैलेट, और स्प्रे के बाद मैं आईब्रो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ ब्लैकनेस गिरती है तो फिर वो फेस पे लग जाती है इसलिए, और इसी के बाद मैं मस्कारा भी लगाऊंगी क्योंकि मस्कारा फिर गीला हो जाता है, स्प्रे जल्दी सूखता नहीं है और आंखों पे रह जाता है, तो फिर वो भी दिक्कत कर सकता है, दाग लग सकता है फेस पे, मेकअप ख़राब भी हो सकता है मेरा, इसलिए मैं पहले आईब्रो करूँगी उसके बाद मस्कारा लगाऊँगी। एक आपको छोटा सा हैक बताती हूँ इसी के बीच में, अगर आप फाउंडेशन के साथ जब आप फाउंडेशन अपने फेस पे लगाते हैं ना, उसी समय आप सेटिंग स्प्रे का एक स्प्रे मार लीजिए, उसके बाद उसे ब्लेंड कीजिए तो आपका फाउंडेशन और ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होगा और बहुत देर तक टिकेगा। आप यकीन मानिए कम से कम आराम से 10-12 घंटे तो आपके कहीं नहीं गए अगर आपने अच्छा वाला फाउंडेशन लगाया है तो। मेबलिन का हाइपर कल मस्कारा ले रही हूँ मैं। ये प्रोडक्ट का मैं नाम आपको बस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने क्या लगाया वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपके पास जो प्रोडक्ट है आप वो लगाइए। लेकिन बस मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अगर आप पैसे डाल ही रहे हैं तो फाउंडेशन अच्छा लीजिए। ये डार्लिंग इसाबेला की लिपस्टिक लगा रही हूँ मैं, ये लिपस्टिक बहुत अच्छी है, मेरे पास काफ़ी टाइम से है और मैं इसको काफ़ी बार लगा चुकी हूँ। इतना लाइट इसका फॉर्मूला है, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने लिपस्टिक लगाई है, और ना ही केकी होगी, पैची होगी, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे से टिकी रहती है इज्जत से। अब बिंदी और सिंदूर के साथ मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है। अब मैं अपने बाल बनाने के बाद आपसे मिलूँगी। कैसी लग रही हूँ मैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, मुझे सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मैं काफ़ी मोटिवेट हो जाती हूँ और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लाती हूँ। और प्लीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वीडियो बिल्कुल भी फिल्टर्ड नहीं है, नॉन फिल्टर वीडियो है। थैंक यू।